श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हुए जहाँ पर उपस्थित हुए, ये स्थान शंकर कुंड है। जब हम लोग ने पहले परिक्रमा शुरुआत की है, क्योंकि कहते हैं कृष्ण ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण गिरिराज गोवर्धन लीला नहीं की, इसलिए बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रचय थे नव जून द्वंद्व अश्विन मंदम, इसलिए इनकी कंदर कंदरा में गुहा गुहा में और कण कण में कृष्ण की अनंत लीला है। हम तो केवल स्मृति के लिए एक एक जगह पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण रोज ब्रज गोपियों के साथ में, सखाओं के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में नई नई लीला करते थे। इसलिए हम लोगों ने जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की है वो दान घाटी था, जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के ब्रज गोपियों से दूध दही की दान लिया करते थे। दान नहीं, वो प्रेम की दान लेते थे। कहते ना चलो सखी वहां चलिए जहां बसत ब्रजराज गो रस बेचना हरी मिले थी। एक पंथ दो बेचने के लिए नहीं आते थे, गुरुदेव कहते थे कृष्ण का तो 9 लाख धेनु है और श्री वृषभान महाराज का 11 लाख धेनु है। इसलिए राधा रानी वो साधारण नहीं, वो मक्केश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रामेश्वरी क्षमेश्वरी श्रीराधि के नमस्ते। सबका जो ईश्वरी है कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए फिर वो दूध दही बेचने के लिए क्यों जाया करेगी, लेकिन वो केवल एक बहाना है। तत्वतः केवल कृष्ण के साथ में मिलने के लिए, लीला करने के लिए श्री राधा रानी यहाँ आया करती थी। इसलिए वहीं से ही परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर पहुंचे है, ये स्थान जो गांव को हमने पार किया है इसका नाम आनर गांव है। आनर गांव क्यों नाम पड़ा? इसलिए श्री बज्रनाभ ने कृष्ण जहाँ जहाँ पर लीला जैसे की थी, उन्होंने सांडिल्य ऋषि को लेकर के समस्त लीला भूमियों में गए और इन्होंने जैसे जैसे कृष्ण लीला की थी उसी अनुरूप उन्होंने गांव को भी स्थापन किया। यहीं पर ही जब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण जब मना कर दिया इंद्र की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए कृष्ण सोचते हैं कहां ये मेरे ब्रजवासी हैं जिनकी चरण धूलि में स्वयं लेता हूं, जिनका झूठन में स्वयं खाता हूं, जिस राधा रानी के चरण में स्वयं में प्रेम की भिक्षा मांगता हूं, हैं कहां ये राधा ये ब्रजवासी क्या करेंगे? ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र पूजा करेंगे? इसलिए इंद्र पूजा करने का जरूरत नहीं। इंद्र कौन बनता है? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वही इंद्र बनता है, लेकिन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ को द्वारा ब्रज की एक रज को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये ब्रज रज की इतने महिमा है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं क्या पूजा करेंगे इंद्र की, इसलिए उन्होंने बंद करा कर रखे हैं। उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा को उन्होंने प्रारंभ कराए। बोले कृष्ण जिस समय प्रारंभ कराए उस समय कृष्ण का उम्र कितना था? 7 साल। बोलो, 7 साल 2 महीना कृष्ण का उम्र था। क्या कृष्ण बचपन से देख नहीं रहे थे गिरिराज इंद्र पूजा हो रही थी? फिर उन्हें नंद बाबा को पूछने का क्या जरूरत था, बाबा आप किसको पूजा करने के लिए जा रहे हो, कारण क्या है? कारण यही था केवल श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा को, गिरिराज की महिमा को केवल कृष्ण जगत में स्थापन करना चाहते थे। ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण पहाड़ नहीं, इसलिए स्वयं गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले प्रकृत है मनसा जात, श्री ईश्वर जी की हृदय से ही स्वयं श्री राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए ये गिरिराज गोवर्धन को उनने स्वयं प्रकट किया है। बोले श्री गिरिराज महाराज की, इसलिए कृष्ण अभी जैसे श्री राधा रानी अत्यंत दयालु उनके हृदय है, ये गिरिराज गोवर्धन भी ठीक वैसे दयालु श्री गिरिराज गोवर्धन।
इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा को कृष्ण जगत में स्थापन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केवल इंद्र की पूजा बंद करा के इन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा को उन्होंने प्रारंभ कराए। बोले जरूरत नहीं, इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, किसकी पूजा करो? बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। अगर झोली फैलाना है ना, सबको साथ में झोली फैलाया मत करो, ये इंद्र क्या दे सकता है? स्वयं भगड़े, अगर कोई तपस्या करना शुरू कर दे स्वयं, पहले तो इंद्र का आसन कम जाता है, पता नहीं कितना बार सुअर बना, कितना बार कितना दुर्गत हुई इंद्र को, स्वयं दुर्गति हुई। जो स्वयं दुर्गत में पड़ा हुआ है वो हमारी इच्छा को क्या पूरी कर सकता है? इसलिए अगर कोई पूरी कर सकता है, कौन पूरी कर सकता है? ये गिरिराज गोवर्धन ही पूरी कर सकते। क्यों? ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये साक्षात श्री कृष्ण चंद्र, साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात हंता अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमदम। ये श्री गिरिराज गोवर्धन कौन है? कभी हरिदास वर्ज है, हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ श्री हरिदास वर्ज। इसलिए गुरुदेव कहते हैं केवल हरिदास वर्ज नहीं, ये हरिदासी है, ये हरिदासी है। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए हैं, सनातन गोस्वामी कौन है? लवंग मंजरी है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, जीव गोस्वामी बिलास मंजरी, ये सबके सब रति मंजर, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सबके सब क्या प्रार्थना करते हैं? निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णात्वम। हे गिरिराज गोवर्धन, आप कृपा करके आपका चरण में हमें स्थान दो। बोले भैया इसके सबके सब मंजरी सखियां हैं, पर ये गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना क्यों करते हैं? जिसको पास में जो चीज नहीं होगा वो चीज क्या दे सकते है? वो दे ही नहीं सकते है। जिसको पास में जो संपत्ति हो वो वस्तु वही दे सकते है। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी वर्ग सब के सब गिरिराज की पास में उनकी प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना किया है, क्योंकि जो हरिदास, ये गिरिराज कौन है? ये हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। और हरिदास क्या करता है? इसलिए हरिदास क्या करता है? हरिदास है। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है खय। जब तक कि किसी महान व्यक्ति की कृपा नहीं हो, इसलिए रघुगण महाराज कहते हैं, रघुगणे भरत महाराज, रघुगणे न तपस्या न जाति न इजया न निर्वाप न गृहत्वा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत बदो रजो विषकम। जब तक किसी महान संतों को शरण में हम नहीं जाते हैं, पूजा पाठ के द्वारा नहीं होता, अग्नि वायु की पूजा से नहीं होता है, घर छोड़ने से नहीं होता है, वेद पढ़ने से नहीं होता है, कैसे होता है? जब तक किसी महान संतों के चरण में हम लोग अभिषिक्त नहीं होगे। इसलिए महान संत तो बहुत है, संत तो बहुत साधु है, लेकिन ये जो गिरिराज गोवर्धन कौन प्रार्थना कर रही है? राधा रानी, ये ब्रज गोपियां प्रार्थना कर रही है, गरे गरे व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्ति जी सब मंजरी सखिया प्रार्थना किसकी चरण में? बल्कि गिरिराज गोवर्धन चरण में प्रार्थना करते, क्योंकि अब हरिदासों में अब सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो, क्योंकि कृष्ण की आप जितने सेवा करते हो, जो झरना नहीं मानो कृष्ण का चरण स्पर्श से आपका आंखों से आंसू की झरी बह रही है। इसलिए कदे घास नहीं आपका चरण स्पर्श से मानो उनको शरीर का रोंगट हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण यहीं पर तालाब तालाब में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में, कुसुम सरोवर में कृष्ण अद्भुत अद्भुत प्रमद बदन लीला करते हैं। इसलिए आप गिरिराज गोवर्धन, आप ही हमारी इच्छाओं को, सारी इच्छा को आप पूरी कर सकते। क्यों? आप हरिदासों में आप सर्वश्रेष्ठ श्री हरिदास वर्ज्य हो, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, यहाँ तक भी उन्होंने कृष्ण का भी इच्छा उन्होंने पूरी की, साधारण जीव का तो इच्छा पूरी की है, लेकिन उन्होंने कृष्ण के भी उन्होंने इच्छा पूरी करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए उन्होंने पूजा बंद करा के उन्होंने जब गिरिराज गोवर्धन को, बोले जो कुछ लड्डू कचौड़ी मालपुआ जो कुछ बनाए किसके लिए? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन के लिए बनाओ है, क्योंकि श्री गिरिराज गोवर्धन ये हमारी सब इच्छाओं को पूरी करेंगे। कृष्ण ने कहा ये बताओ आप इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले इंद्र को कभी देखे हो खाते हुए? बोले देखो ही ना।
बोले जब ये गिरिराज की पूजा करोगे ना, इन्हीं आंखों में देखोगे स्वयं गिरिराज प्रकट होंगे और हमारे सब कुछ ग्रहण करेंगे और जो कुछ मांगोगे ना ये गिरिराज गोवर्धन सारी इच्छा पूरी करेगी। बोले इन्हीं आंखों से देवता दर्शन होगा। बोले और क्या। बोले भैया हमने कभी देवता देखो ही ना, इसलिए हम तो पूजा करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे हम सब के सब जितने ब्रजवासी। कितना गांव है ब्रज में। बोले 365 गांव ब्रज, अभी भी 365 गांव, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव नंदगांव बरसाना जाबट कोकिला बने अभी भी गिनोगे ना 365 गांव है। इसलिए इतना उन्होंने लाए, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, अन्नकूट। कूट मतलब क्या, पर्वत, अन्न की पर्वत, रोटी की पर्वत, जलेबे की पर्वत, मालपुआ की पर्वत, चिंता मत कर, रसमलाई लेडी के चम चम, मुंह में पानी मत लाओ, अभी सब मिलने वाले आपको। इसलिए इतने ऐसे लाए पूरा गिरिराज गोवर्धन, पूरा के पूरा पकवान में गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण स्वयं एक स्वरूप में तो कृष्ण स्वयं पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में कृष्ण उन्होंने उन्होंने ग्रहण किया। जब उन्होंने तुलसी पत्ता सब में दे करके इदम आसनम इदम आचमनियम इदम सहित नैवेद्य उपकरणम श्री गिरिराजाय नमः बोल करके गिरिराज को अर्पण किया। सबके सब देख रहे थे सचमुच से, जैसे ये गिरिराज है ना विशाल रूप गिरिराज धारण किया, इतने विशाल रूप धारण किए हुए थे, सारे ब्रजवासी देख करके आश्चर्य हो रहे थे। स्वयं गिरिराज कहते हैं आप लोग सबके सब दर्शन करो, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। हैं जो व्यक्ति आज का दिन ये गिरिराज अन्नकूट की सेवा में एक अन्न की दाना जिसने लगा दी, मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी भरपूर उसको घर में रहेगी। और जो मेरी ये गिरिराज गोवर्धन पूजा को जो अनादर करेगा, गिरिराज स्वयं कह रहे हैं जन्म जन्मांतर भूखे बने रहोगे, दरिद्र बन करके रहोगे, जो ये गिरिराज पूजा की जो अनादर करेगा। और उन्होंने जो कुछ भोग लगाया था कृष्ण हाथ पसार पसार करके सबके सब खा रहे थे और सबके सब खत्म करके बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले गिरिराज हम तो गरीब ब्रजवासी है, आप इसमें ही संतुष्ट हो जाओ। फिर उनको तांबूल बिड़िया पान की उनका अर्पण की। इतने में कृष्ण के एक सखा था मधुमंगल, बोले कन्हैया तेरे ठाकुर तो बड़े भूखे ठाकुर है, अरे जब हम इंद्र की पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद होता था ना महीना भर तक खाते थे, तेरे ही से भूखे ठाकुर एक किनका भी छोड़ो ही नहीं, इसलिए अगली बार तो गिरिराज की पूजा करेंगे, नहीं पूजा करेंगे तो इंद्र पूजा करेंगे हम सब के सब, कैसे तुम्हारे भूखे ठाकुर है भैया। बोले हमारे एक गिरिराज कैसे मत कहा करो, सबके सब आंख बंद करो। जब आंख बंद किया ना गिरिराज उन्होंने हाथ फिरा दिया, हाथ फिर बोला आंख खोलो, खोला तो जितने भोग लगाए थे सब डबल डबल हो गया। बंसी वाले की जय। इसका इसका तात्पर्य क्या है, बोले इसका तात्पर्य है भगवान की गिरिराज की पूजा करो तो कभी कभी प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ेगा। कुछ ब्रजवासी तो तरस उठे, बोले भैया हम तो ठग गए। बोले क्यों, बोले पता ही नहीं था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा करके ले आते, सबके सब डबल हो जाएगा, इसलिए सबके सब बोले चकाचक भोजन करो और चलो सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की हम सबके सब परिक्रमा करेंगे। इसलिए यहीं पर इसलिए स्थान का नाम आनो ग्राम है। उधर जो पर्वत देख रहे हो वहीं पर श्रीनाथ जी वहीं पर थे और श्री माधवेंद्रपुरी भी यहीं पर, उन्होंने एक महीना तक उन्होंने यहीं पर अन्नकूट करवाए और मथुरा से बड़े बड़े धनी लोग को लाए, कहते महीना भर तक रोज रोज यहाँ पर अन्नकूट रोज रोज अन्नकूट होता था। यहीं पर उन्होंने माधवेंद्रपुरी बैठ करके भजन करते थे और यहीं पर जंगल में कहते मुसलमान का आक्रमण से हैं जो श्रीनाथ जी थे उनको ही जंगल में छोड़ करके उनका सेवक लोग चले गए थे। जब माधवेंद्रपुरी यहीं पर आए, जब उन्होंने भूखे थे उनका आज किसने दिया ही नहीं कुछ, इतने में जब दिया ही नहीं कृष्ण स्वयं बाल गोपाल रूप धारण करते हुए आए। बोले बाबा बाबा आप भूखे हो ये दूध पे लो। बोले तेरे को कैसे पता चला मैं भूखा हूँ। बोले यहाँ पर कुछ स्त्रियां कुएं में पानी भरने के लिए आई थी और आपको देखा यहाँ बैठे हुए हो, इसलिए हमें ये बात बताए लो ये दूध को पी लो, हम जा रहे हैं गैया चराने के लिए, जब वापस आएंगे ना पात्र को रख लेना। बोले कोई चिंता मत करो दूध तो जीवन में बहुत पिए,
लेकिन जब उन्होंने ये दो दुग पिए उनका रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले क्यों, दूध कौन दे रहे हैं? ये स्वयं कृष्ण दे रहे हैं। जब थोड़ी सी झपकी आई ना, ठाकुर जी आए, आ करके उनको हाथ पकड़ करके ले गए। बोले बज्रनाभ, बोले श्री माधवेंद्र, मैं मेरे को बज्रनाभ ने स्थापन किया था, लेकिन मेरे सेवक लोग मुसलमान का आक्रमण से यहीं पर छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं बड़ी दिनों से तेरे इंतजार कर रहा था, कभी माधवेंद्रपुरी ऐसे करीब ऐसे बन। तब उन्होंने हाथ पकड़ करके ले गए, बोले यहीं पर पड़ा हुआ। फिर उन्होंने सारे गांव वासियों को बुलाए, बोले तुम्हारी ठाकुर जी यहीं पर पड़े हुए। फिर उनको उधार करके गोविंद कुंड का पानी से अभिषेक करवाया। फिर तो धूमधाम उन्होंने अन्नकूट एक महीना तक कर, बोले अन्नकूट महामहोत्सव की, माधवेंद्र पुरी पाद की। इसलिए यहाँ पर अनंत अनंत लीला की, अभी माधव महाराज भी कुछ बोलेंगे, वो भी कुछ प्रसाद देंगे आपको। इसलिए हम जो स्थान में आए, ये अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है, भगवान की गिरिराज का तलेटी है। गिरिराज हमारी सारी इच्छा को पूरी करेंगे, और ये भी हमारी एक इच्छा है, क्या है? बोले कैवल एकम प्रयोजन, केवल एक ही प्रयोजन है, ब्रज प्रेम है। अब ब्रज प्रेम में गुरुदेव कहते थे, राधा जी की अनुगत्य में है मंजरी भाव से श्री जुगल सरकार की सेवा ही हमारी केवल यही काम्य है। गिरिराज हमारे सभी इच्छा को पूरी करे। बोले श्री गिरिराज महाराज की।